गुड मॉर्निंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इस चैप्टर में दो वीडियो में बना चुका हूं और इन दो वीडियो में हम जो है काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है प्रिंट कल्चर क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना, कहाँ ओरिजिनेट हुआ, चाइना जापान कोरिया में डिस्कस किया। कल के वीडियो में जो सेकंड वीडियो था उसमें डिस्कस किया कि यूरोप में कैसे आया, ठीक ना, कैसे मार्को पोलो जो इटली के थे किस लेकर आया वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग कल्चर को लेकर आया। फिर 1430 में जॉन गुटेनबर्ग जो जर्मन का एक गोल्ड स्मिथ थे उन्होंने किस तरह से इसका इन्वेंशन किया, ठीक है, और उसके बाद जो है किस तरह से उसमें उन्होंने पहली बुक जो है छपी जो आपकी कैसे तो बाइबल जो गुटेनबर्ग बाइबल कहा गया, ये सारी चीज हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे कि द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, तो प्रिंट कल्चर आया, ठीक है, जो किताबें छपनी शुरू हुई उसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट समाज के ऊपर क्या पड़ा, ठीक है। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, रेवोल्यूशन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रेवोल्यूशन, क्रांति, ये क्रांति थी मानव इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि अभी तक किताबें जो थी मैन्युस्क्रिप्टेड थी, हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है ना, अब बुक्स क्या थी, अब बुक्स प्रिंट होनी शुरू हो चुकी थी। इससे क्या हुआ कि बुक्स की नंबर्स बढ़ने शुरू, जैसे हमने देखा किस तरह से 15 सेंचुरी में यूरोप में 20 मिलियन जो है बुक्स थी, और 16 सेंचुरी तक आते आते 10 टाइम्स बढ़ गई, 200 मिलियन बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, है ना। हमने देखा किस तरह से जो बुक्स पहले थी केवल जो एलाइट फैमिलीज थी, जो बड़े घराने सम्भ्रांत लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा उनके घर तक ही सीमित थी, अब जो है बुक्स जो है मिडिल क्लास और कॉमन लोगों के पास भी पहुंचनी शुरू हो चुकी थी। तो ये एक रेवोल्यूशन था, ठीक ना, तो उसका इम्पैक्ट क्या समाज पर पड़ा ये हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि जब बुक्स जब आनी शुरू हो गई, तो हमने डिस्कस किया बुक्स केवल आप कह सकते हो स्टडी मटेरियल नहीं था, केवल बुक्स जो है किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं था, बल्कि बुक्स जो है अब अलग अलग थीम्स पे आनी शुरू हो चुकी थी। बुक्स जो है सामाजिक सरोकार पे, है ना, समाज में जो सोशल इवेल चल रहे थे उनके खिलाफ भी बातें या विचार आने शुरू हो गई थी। इसका फायदा लोगों को यह हुआ कि लोग जो है अब जागरूक इनलाइटमेंट होने शुरू हुए, लोगों को दुनिया से जुड़ना शुरू हो चुका, क्योंकि अभी तक जो नॉलेज था वो एक कह सकते हो कि एक किसी सेंटर बेस्ड नॉलेज लोगों के पास था, क्योंकि लोग दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लोग बस यही जानते थे कि हाँ यहाँ चीजें होती, कोई आकर बताता था। जैसे आज भी अगर आप अमेरिका, आज अगर कोई आकर बताया कि अमेरिका जो है नई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, कि आप मानेंगे नहीं, हम कहें नहीं, हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्या हम अमेरिका गए हैं, क्या सभी लोग आप लोग में अमेरिका गए, नहीं, फिर भी हम जानते, क्या जानते हैं, प्रिंट कल्चर द्वारा। और आज तो भाई आपके पास जो लेटेस्ट मीन्स ऑफ जो आप टेक्नोलॉजी है इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपके मोबाइल से नेट है और आपको टीवीज है, इसके थ्रू हम जान पाते हैं। तो हम कैसे कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन पहले के जमाने में ऐसी चीजें हुआ करती थी, जैसे गुली भाई लिलीपुट आपने पढ़ा हुआ है कि द्वीप पे गया और वहां से वो जो है अपने पॉकेट में जो है इतने छोटे छोटे जो है उसने आदमी को लेकर आया था, ये एक मनगढ़ंत कहानी थी, ठीक ना। तो लोगों ने पहले ऐसी ही कहानियां लोग कहते थे जो घूम के आता था, कोई कलकत्ता गया हुआ करता था, सब बताता कलकत्ता कैसा है भाई, बताता कैसा है वैसा, लोग मान लेते थे क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं था। बुक्स के आने की वजह से लोगों के पास नॉलेज आने शुरू हो चुके थे, ठीक ना, कोई उनको जो उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाता था। तो कहीं ना कहीं पूरे एक समाज में इनलाइटमेंट शुरू हुआ, लोगों ने पूरी दुनिया को जानना शुरू किया, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और अलग अलग विचार आने शुरू हुए, ठीक है, ये हुआ। अब देखिये अगला पॉइंट है ए न्यू रीडिंग पब्लिक। इससे क्या हुआ, न्यू रीडिंग पब्लिक से मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि बुक्स कहाँ थी, केवल एलाइट फैमिली पढ़ा करती थी, और वो केवल इसलिए पढ़ा करती थी कि पहले बुक्स किस पे छपती थी, वेलम पे। वेलम क्या था, चमड़े से बना हुआ कागज, है ना, चमड़े को उसको दबा के उसको सुखा कर उतनी थीम पतला करके उस कागज का फॉर्म बनाया जाता था, लेकिन ये बहुत कॉस्टली हुआ करता था, इसलिए मिडिल क्लास और लोअर कॉमन पीपल को छोड़ो मिडिल क्लास की भी बस की बात नहीं थी, इसको केवल जो है सम्भ्रांत यानी जो एलाइट फैमिलीज थी, जो राजा महाराजा उस समय हुआ करते थे, जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, वही केवल पढ़ा करते थे, तो वेलम पे छपा करता था। लेकिन धीरे धीरे जो है अब क्या हुआ कि जैसे जैसे अब चूंकि सवाल एक ये भी था कि बुक्स तो छपनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम थी, पढ़ने वाले लोग पढ़ना चाहते थे, लेकिन पढ़ने वाले लोगों की संख्या इसलिए कम थी कि लोग लिटरेट नहीं थे, इलिटरेट थे, ठीक ना। तो सबसे बड़ी जरूरत बात थी कि लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए, और लोगों में ऐसी चीजें ऐसी बुक छपनी शुरू हो गई जिसमें इमेजेस बने हुआ करते थे,
क्योंकि लोग उस इमेज के थ्रू चीजों को समझ सके, ठीक ना। और इसलिए बैलेट्स, बैलेट्स का मतलब होता है द अकाउंट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का जो अकाउंट है, इतिहास, ऐतिहासिक चीजें जो घटनाएं पीछे हुई हैं, उनको बैलेट्स के फॉर्म में जो है उनको लाया गया। यानी बैलेट्स का मतलब कि इस तरह से जिससे जिसको गा कर सुनाया जा सके। एक किताब होती थी जिसमें कुछ कविताओं जैसी, अपने से पोएम जैसा हुआ करता था, इसको जो पढ़ा लिखा इंसान होता था उसको गा कर सुना जाता था, तो बैलेट्स के फॉर्म में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, आप सभी लोगों ने या हमने पढ़ा है, झांसी की रानी कविता पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसको किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान 1857 की क्रांति को 1900 कुछ में आके लिखती हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि झांसी की रानी लड़ाई कैसे लड़ी थी? क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी ये कहानी झांसी की रानी कुछ किसके मुंह से सुनी थी? हरबोलों के मुंह से। हरबोले कौन थे? बुंदेलखंड के, यानी झांसी के इलाके के जो लोग थे पहले, का देखा होगा पहले गांव पे जो भिखारी आते थे गांव पे भीख मांगने के लिए, वो सारंगी लेके आते थे, वो गाना गा गा के, आज भी कहीं मिलते हैं ना, सारंगी बजाते हुए गाना गाकर वो लोकगीत गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो वैसे ही हरबोलो उनको कहा जाता है, हरबोलो यानी कि जो गाकर किसी कहानी को, लोकगीत को गाते थे। तो इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने हर जगह मेंशन किया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि हमने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ठीक ना। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखा है वो कहीं उन्होंने इतिहास के पन्ने में झांसी की रानी नहीं थी, उनको गायब कर दिया गया था, वो तो जो हरबोले थे जो गायक सुनाता था उससे उन्होंने कहानी सुनी थी और उसको उन्होंने अपनी कलम से कलमबद्ध किया, ठीक है। तो इसी तरह से जो बैलेट्स थे, जो अकाउंट्स थे हिस्ट्री के, वो गाकर सुनाए जाते थे। और कहां गाए जाते थे, कहां सुनाए जाते थे? टैवर्न्स। टैवर्न्स क्या था? वेस्टर्न कंट्री में एक ऐसा जगह है जहां पे लोग मदिरा पीने जाते थे, शराब पीने जाते थे, खाना, जैसे आज के रेस्टोरेंट कहिए, रेस्टोरेंट में तो शराब नहीं मिलता है, आप उसको पब कह लो, या आज के जमाने में जहाँ पे आपको नाश्ता भी मिल जाए, खाने का मिल जाए और अल्कोहल भी मिल जाए, तो ऐसी जगहों पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे वेस्टर्न कंट्रीज में शाम के समय, जब दिन के दिन भर थकते थे, तो शाम को अपनी थकावट को दूर करने के लिए और मनोरंजन के लिए लोग ऐसे जगहों पे, उसको टैवर्न्स कहा जाता था, उसमें वहां पर शराब मदिरा पान के लिए और खाने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे नाश्ते के लिए, और वहीं पे एक समारोह चलता था, एक आदमी पढ़ा लिखाता था और वो किताबों के माध्यम से जो ऐतिहासिक चीजें छपका रही है या किसी के विचार छपका रहे हैं उनको पढ़ पढ़ के सुनाया जाता था, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत ही कम थी, तो ये चीजें होनी शुरू हुई। लेकिन देखते ही देखते चूंकि अब लिटरेसी रेट कम थी, इसलिए लिटरेसी को बढ़ाने के लिए स्कूल्स भी खुलने शुरू हुए। लेकिन अभी भी जो बुक्स आ रहे थे, जो प्रिंट कल्चर आया है, कि जो बुक्स की छपावट शुरू हुई, इससे फायदा सबसे ज्यादा ये हुआ कि प्रिंटिंग कल्चर के आने की वजह से और बुक्स जो थी संख्या में ज्यादा आने लगी और सस्ती होने लगी, क्योंकि वेलम पे नहीं, अब किस पे छपावट हो रही थी? पेपर पे हो रही थी। तो पेपर की वजह से क्या होगा कि उनका कॉस्ट कम होना शुरू हुआ और इसका फायदा आम लोगों को भी मिला, क्योंकि अब आम लोगों के लिए भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होनी शुरू। कई कैटेगरी की बुक्स थी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब नए नए विचार आने शुरू हुए, तो लोगों में जब नए विचार आते हैं तो वो डिबेट शुरू होता है, ठीक है। जब तक नॉलेज किसी के पास नहीं है आपकी बात मानेगा, ठीक है। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका से या मैं रशिया से या किसी ऐसे देश से घूम के आया हूं, मैं बताऊं कि ये चीजें ऐसी होती है, तो आप मान जाओ, क्योंकि आपको वहां की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको वहां की जानकारी है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि यूपी के मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रेजेंट में यूपी के जो सीएम है वो आदित्य योगी हैं, ठीक है, कि कैसे आपने जाना, ठीक है, आपने मीडिया के थ्रू जाना, आपने पेपर के थ्रू जाना, लोग इनलाइटेड है दूसरे के माध्यम से सभी को जानते, तो ये झूठ नहीं हो सकता। लेकिन आज से हजारों साल पहले जब लोग कुछ नहीं जानते थे तो कोई कुछ भी बोलता था, जो बाहर से घूमकर आता था वो बेवकूफ बनाया जा सकता था। मैं नहीं कह सभी सभी को बेवकूफ बनाता था, लेकिन एक संभावनाएं बहुत ज्यादा थी कि लोग बेवकूफ और फॉल्स जो है आपके साथ फॉल्स नॉलेज शेयर की जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे अब क्या हो गया, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब समाज में दो तरह के धड़े हो गए, एक तो क्या हो गया कि लोग जो है डिबेट करने लगे, क्योंकि डिबेट वही कर सकता है जिसके पास नॉलेज हो। जैसे आपने देखा होगा कि क्लासेज में भी डिबेट कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं, किसी एक टॉपिक पे एक पक्ष में, फेवर में और एक अपोजिशन में बोलने के लिए जाते हो, तो वो चाहे आप उसके फेवर में बोलो या अपोज करो, आप तभी कर पाओगे जब आपके पास उस टॉपिक का नॉलेज होगा। अगर उस टॉपिक का नॉलेज नहीं है तो आप ना ही उसका फेवर कर सकते हो ना ही आप उसका अपोज कर सकते हो। तो कहेंगे नॉलेज होना चाहिए, तो जो रिलीजियस डिबेट यानी जो धार्मिक जो डिबेट शुरू हो गया, ठीक ना, वो इसलिए हो गया क्योंकि अब मार्केट में ऐसी बुक्स आने लगी थी जो रिलीजियस जो इविल प्रैक्टिस चल रही थी, जो धार्मिक, जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा एक धार्मिक प्रथा थी,
कहा जाता है हिंदू धर्म में कि पति के साथ पत्नी को जलना होगा, ठीक ना, विधवा विवाह कानून था, विधवा की शादी नहीं हो सकती है, ठीक ना, चाइल्ड मैरिज था, बहुत सारी ऐसी थी, ठीक ना, जिसको दूर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो थी एक धर्म से जुड़ी हुई थी, प्रथा से जुड़ी हुई थी, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं लेकिन लोगों ने क्या कब इसका विरोध करना शुरू किया, जब कुछ ऐसे भी लोग आए समाज में जिन्होंने इसका विरोध किया, और उन्होंने अपनी कैसे किया, क्योंकि अगर एक आदमी कहीं किसी एक जगह पे विरोध करे तो किस उसी इलाके को फायदा होगा, लेकिन एक साथ बहुत सारे लोगों को अगर आपको एड्रेस करना हो तो आपको मीडिया जाना पड़ेगा। तो मीडिया उस समय क्या था, प्रिंट मीडिया, ठीक ना, प्रिंट कल्चर, बुक्स थी। तो लोगों ने बहुत सारे ऐसे राइटर उस समय हुए जिन्होंने उस समय धर्म जो धार्मिक जो अवधारणाएं थी, जो गलत अवधारणाएं थी जिसके द्वारा लोगों को शोषित किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके खिलाफ ही राइटर्स ने लिखना शुरू किया। लेकिन दोनों तरफ थे, कुछ राइटर्स थे जो जो धारणा चली आ रही थी उसको सही ठहराते थे, कुछ जो थे उसको अपोज करते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास अलग अलग तरह की अब जो है आइडियोलॉजीज, अलग अलग तरह के थ्योरीज, विचार आने शुरू हैं। इससे लोगों में डिबेट शुरू हुआ है ना, और इससे क्या हुआ, कुछ लोग जो सपोर्ट में थे, जो ये चाहते थे जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं वो चलती रहे, उनके मन में ब्रिट के खिलाफ क्या हो गया, डर पैदा हो गया, ठीक है। इस ऐसा ही एक एग्जांपल हम लेते हैं, मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी का रहने वाला था, ठीक ना, वो एक क्या थे, मॉन्क थे, मॉन्क प्रीस्ट प्रोफेसर, ठीक ना, यानी एक प्रोफेसर भी थे। प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है जैसे जानते हैं, मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी, और प्रीस्ट का मतलब होता है धर्म का प्रचार करने वाला, ठीक ना, और साथ ही साथ चर्च रिफॉर्मर, बाद में वो चर्च रिफॉर्मर हुए, यानी चर्च में जो गलत अवधारणा चलती थी उसको रिफॉर्म करना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल लेते हैं कैसे तरह से समाज में चीजें थी, कि 1517 में मार्टिन लूथर ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था 95 थीसिस, याद रखिएगा, मार्टिन लूथर ने 1517 में एक बुक लिखी। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था, जर्मन का रहने वाला था, ठीक ना, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, 95 थीसिस लिखी थी, किस ईयर में लिखी थी, 1517 में लिखी थी। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था, इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था, इस बुक में जो कैथोलिक चर्च था, यानी जो कैथोलिक चर्च था, उस कैथोलिक चर्च में हो रही गलत अवधारणाएं, धार्मिक जो अवधारणाएं थी, जो गलत थी, उनको लगा कि गलत समाज में ऐसा धार्मिक अधिकार नहीं आप थोप सकते समाज के ऊपर, उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और उसकी एक कॉपी उन्होंने जो विरोध किया उसकी एक कॉपी प्रिंट करके वहां के जो एक विटेनबर्ग चर्च था, विटेनबर्ग चर्च, उस चर्च के मेन गेट पे उन्होंने चिपका दिया। किसने चिपकाया, मार्टिन लूथर ने चिपका दिया। और उसमें क्या लिखा था, उसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च में जो जो गलत प्रथाएं चल रही थी, जो उस धर्म में, जो क्रिश्चियनिटी में जो गलत गलत रूल थे, उसका उन्होंने अपोज किया, ना कि अपोज किया बल्कि उस कॉपी के द्वारा जो उन्होंने विटेनबर्ग चर्च पे लगाया था, उन्होंने खुला चैलेंज किया कैथोलिक चर्च के प्रेस्ट को कि आइए आप हमसे डिबेट कीजिए। देखते ही देखते कुछ ही समय में इस कॉपी की 95 थीसिस की जो है 5000 कॉपी जो है छप गई, लोगों ने छापा, पब्लिशर ने छापा, ठीक ना, और वो देखते देखते वो कॉपी सेल हो गई कुछ ही हफ्तों में, एक हफ्ते के अंदर 5000। अगर आपको लगेगा 5000 कॉपीज कितनी होती तो बहुत कम होती उस समय के हिसाब से, जहां आप कह सकते हो जैसे मैंने कहा कि बाइबल जो था 180 पीसेस जो था वो कई महीनों में छपा था, ठीक ना, तो आपको लगेगा कि 180 कॉपी छापने के लिए आपको कई महीने क्यों लगे, तो एक घंटे का काम है आज के पर्सपेक्टिव से, सही है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो 5000 कॉपी एक हफ्ते के अंदर सेल हो गई, और अगली जो बुक्स छपने वाली थी उसकी पहले से बुकिंग हो गई, इतनी डिमांड थी इसकी, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ कि समाज में जो है, क्योंकि इसके से कई सारे ऐसे राइटर्स हुए, मार्टिन लूथर का एग्जाम्पल है कि मार्टिन लूथर ने, और आगे चले क्या हुआ कि उन्हीं के उन्होंने एक रोल प्ले किया, एक मूवमेंट लॉन्च किया, और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का होता है कि उस समय जो है पूरे यूरोपियन कंट्री में एक मूवमेंट चला जिसमें चर्च में चल रहे अन्याय के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे, ठीक ना, और उन्होंने एक अलग सा धर्म तो नहीं कहेंगे, यानी कि उन्होंने एक अलग नियम कानून बनाना शुरू किया जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक ना, मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जिसको लीड किया था मार्टिन लूथर किंग ने, ठीक ना, इनको उन्होंने लीड किया था। इससे क्या हुआ कि जो उस समय के जैसे हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय थे, ठीक ना, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया और हमें उसे मुक्ति दिलाई, उसी तरह मार्टिन लूथर ने क्रिश्चियनिटी जो कैथोलिक चर्च में जो आपके जो गलत मान्यताएं थी उसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट चलाया और एक नया सोसाइटी डेवलप हुआ जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा गया, यानी कि कैथोलिक चर्च में लास्ट में मजबूर होकर बहुत सारे जो चीजें थी उनको अपना कानून बदलना पड़ा, ठीक है।
और उन्होंने जो कि इसकी सबसे ज्यादा उनकी मैटर में सबसे ज्यादा किसने हेल्प की, बुक्स ने, ठीक ना, क्योंकि उन्होंने बुक्स को सर्कुलेट किया समाज में, सबको लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा पाए। क्यों पहुंचा पाए, आसानी से पहुंचा पाए, जल्दी पहुंचा पाए, ड्यू टू द प्रिंट कल्चर। अगर प्रिंट कल्चर नहीं होता, ठीक ना, केवल मैन्युस्क्रिप्टेड होता तो शायद इतनी तेजी के साथ और इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग उनके विचारों को नहीं जान पाते। और इसीलिए वो चूंकि मार्टिन लूथर को लगा कि मेरी जो मैंने जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो एक मूवमेंट चलाया और उसकी सफलता में सबसे बड़ा उनको लगा कि सबसे बड़ा योगदान किसका है, प्रिंट कल्चर का है। इसलिए उन्होंने कोट किया कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, कि जो प्रिंटिंग कल्चर है, जो प्रिंट मेथड है, यह एक भगवान का बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। एंड द ग्रेटेस्ट, और अभी तक जितने भी गिफ्ट दिए हैं उनको उस समय लगा कि भगवान ने जितनी भी दुनिया में चीजें बनाई हैं उसमें सबसे अच्छा कोई अगर चीज बनाया है तो वो है आपका प्रिंटिंग कल्चर, यानी कि प्रिंटिंग मेथड, ठीक है। इससे क्या हुआ कि लोगों को इनलाइट किया जाता है, लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है, लोगों में क्या गलत है क्या सही है लोग इस पे विचार करने लगे थे, लोग इस पे डिबेट करने लगे थे, ये सारी चीजें हुई। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिंट एंड द डिसेंट। अब चूंकि प्रिंट होने, मैं जैसा कहा कि जब प्रिंट कल्चर आया तो केवल एक तरह के लोग नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पुरानी अवधारणाओं को सही मानते थे, लेकिन मार्टिन लूथर जैसे राइटर थे जो गलत चीजें हो रही थी, जैसे अगर मैं कहूँ सती प्रथा, तो सती प्रथा का सब विरोध नहीं करते हैं, सती प्रथा को बहुत लोग सही मानते थे, राजा राम मोहन जैसे और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग जो जिन्होंने उसको लीड किया और कहा कि गलत है, कुछ लोग समाज में थे जो उसको गलत मानते थे, बहुत सारे लोग जो उसको सही मानते थे, ठीक है। तो उसी तरह से प्रिंट एंड डिसेंट मतलब कि जो प्रिंट कल्चर था, जो प्रिंटिंग मेथड था, उसका डिसेंट मतलब क्या था, उसका विरोध करना, कि बहुत सारे लोग राइटर्स थे उस समय समाज में लोग थे, खासकर जो धार्मिक लोग थे, कि उनको लगा कि हमारी इमेज को धक्का पहुंच रहा है, हमें चैलेंज करने के लिए लोग आ रहे हैं, लोग अब हमसे डिबेट करना शुरू कर चुके हैं, इस वजह से उनको उन्होंने विरोध करना शुरू किया। इसका एग्जाम्पल देखें कि 16th सेंचुरी में इटली का एक मिलर, ठीक है, एक मिलर था, मिलर मिस होता है कि जो मिली जो आपका जो आटा वाटा या जो बेकरी का जो मालिक होता है उसको मिलर कहते हैं। तो जो मिलर था उसका नाम था मोनोचियो, मोनोचियो जो इटली का मिलर था उसने गॉड भगवान की एक नई डेफिनेशन दी। पहले क्या था, पहले ऐसा था कि भगवान का मतलब हो गया कि भगवान किसी की बकौती, सभी भी आप देखोगे बहुत सारे हमारे देश में भी जैसे अनटचेबिलिटी में बहुत सारे लोगों को पहले मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, नहीं मंदिर में ये लोग जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान केवल एक खास वर्ग के हैं, सभी के भगवान नहीं है। तो उसी तरह से उसने उस समय का जो गॉड का डेफिनेशन था जो कैथोलिक चर्च ने दिया था उसके उलट जो है मोनोचियो ने एक नया डेफिनेशन दिया, क्योंकि वही किताबों को पढ़ता था और उसने भी लिखना शुरू, पढ़ा लिखा था, उसने अपने विचारों को लिखना शुरू किया मोनोचियो ने, और उसने ये किया जिसकी वजह से उसको दो बार जो है उसको वार्निंग दी गई और तीसरे बार उसको एग्जीक्यूट कर दी गई, उसको मार दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ, मानी कंडीशन ये थी कि अगर लोग विरोध कर रहे थे तो जो ऊपर के लोग थे उनका जो है अपोज कर रहे थे उसको सजा भी देते थे। लेकिन देखते ही देखते अब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं थी जिन्होंने, चूंकि सबसे बड़ी कमी क्या थी बुक्स की, कि लोग इलिटरेट थे, तो सबसे बड़ी बात थी कि लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए। और 16th और 18th सेंचुरी तक वहां की लिटरेसी रेट 60-80% थी, 60-80% वहां की सबसे वो लोग कम मानते थे। आज हमारे हिंदुस्तान की 21st सेंचुरी में हम जा रहे हैं और हमारे यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है 72%, और उस समय आज से 200 साल पहले वहां की लिटरेसी रेट 60-80% तक थी, आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी वहां के हिसाब से कम थी क्योंकि वो एडवांस थे, है ना। तो उन्होंने कई संस्थाएं कई चर्चों ने भी जो है अलग अलग स्कूल खोले शुरू कर, लेकिन सबसे बड़ी इन स्कूलों की सबसे बड़ी बात थी कि स्कूल पहले स्कूलें और भी थी, लेकिन वो स्कूल तो एलाइटों के लिए हुआ करती, राजाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए हुआ करती थी, ठीक ना। अब जो स्कूल खुलने शुरू हुए हैं वो गरीबों के लिए, कॉमन पीपल के लिए भी खुलने शुरू हुए, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट समाज में बढ़ा, ठीक है। और लेकिन साथ ही साथ जो उस समय की गवर्नमेंट थी, जो कैथोलिक चर्च थे, जो पैरेलल गवर्नमेंट रूल करते थे, उन्होंने कुछ बुक्स को इतना, ठीक ना, उन्होंने एक रूल बनाया 1558 में, एक रूल बनाया और उसमें उस रूल में प्रोविडेंट इंडेक्स बनाया, यानी कि इंडेक्स, जैसे आप कॉपी में इंडेक्स पढ़ते हैं, उन्होंने इंडेक्स बनाया कि किन किन बुक्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने सर्कुलेट किया समाज में
इस बात को कि इन बुक को आपको नहीं पढ़ा, लोगों को मना किया कि इस बुक को ना पढ़ा जाए, क्योंकि क्योंकि उनको डर था कि अगर ये बुक उन्होंने क्या आपका उन्होंने क्या दिया कि इस बुक को अगर पढ़ेंगे तो आपका जो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप अपने धर्म के रास्ते से हट जाएंगे, ठीक है ना, आपको गलत चीजें बताई जा रही है, गलत अवधारणाएं दी जा रही है। तो ऐसे बुक्स की इंडेक्स बनाई गई जिसको प्रोहिबिटेड किया गया। जैसे आप देखते हमारे यहाँ तस्मीना नसरीन जैसे जो राइटर्स है मुस्लिम, जिन्होंने इस्लाम में जो कुरीतियों के खिलाफ लेकर बांग्लादेश की लेखिका है, ठीक है ना, उनको अपने उनके देश से बांग्लादेश से निकाल दिया, उनकी जो बुक्स है उसको जो है क्या क्या प्रोहिबिटेड कर दिया, वहां उस बुक्स को बैन कर दिया गया। तो आज भी ऐसी सोसाइटी में चीजें हैं कि समाज में अगर कोई चीज आप खिलाफ लिखते हो धर्म के खिलाफ तो उसके खिलाफ जो फतवा जारी हो जाता है, उसके खिलाफ जो रिलीजियस लोग होते हैं वो उसको बैन कर देते हैं, ठीक ना। तो ये चीजें उस समय भी थी। तो 1558 में वहां के लोगों ने यूरोपियन जो जो ऊपर के लोग थे जो एलाइट फैमिली थे उनको डर था कि कहीं हमारी जो सत्ता है उसको कोई बच्चे, क्योंकि जब नॉलेज जाएगा तो जो आम लोग हैं वो भी उनको चुनौती पेश करेंगे और डिबेट करना शुरू कर चुके थे, तो उनको डर था कि कहीं हमारी जो सुप्रीमेसी खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक इंडेक्स चार्ट बनाया 1558 में और बहुत सारी बुक्स को प्रोहिबिटेड कर दिया इस बेस पे कि ये अगेंस्ट द रिलीजन है, ठीक ना। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ्रिंज कल्चर से समाज के ऊपर क्या असर पड़ा, ठीक ना, न्यू रिपब्लिक मेनिया डेवलप हुई, ठीक ना, बैरिक्स के फॉर्म में आई, ट्रेवल्स के फॉर्म में लोग सुनते थे, ठीक ना, डिबेट शुरू हो गया, ठीक ना, लोग कुछ एक दूसरे पक्ष के लोगों के मन में डर पैदा हुआ, ठीक ना, मार्टिन लूथर ने किस तरह से जो है कैथोलिक चर्च के खिलाफ उसने मूवमेंट चलाया और सफलता उसको मिली, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के फॉर्म में एक नया समुदाय बनाया। तो ये आज के वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया, कल के अगले वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी कॉपी प्लीज सबमिट कीजिए, ठीक है। तो आज की टॉपिक वीडियो हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड जय। और हाँ, और कुछ चीजें ना समझ में आ रही हो तो मैंने जैसा आपको कहा कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल करके या आप चाहे तो मैसेज के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप रिस्पॉन्स करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप पूछेंगे। थैंक यू एंड जय।